नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट में यह नया टॉपिक है ऑप्टिक्स। सो वो डिस्कस करने के लिए पहले माइंड मैप देखेंगे। ऑप्टिक्स का माइंड मैप कैसा होता है और उसका डेफिनेशन, ये ऑप्टिक्स चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उसका माइंड मैप देखेंगे। माइंड मैप पहला हम ऑप्टिक्स लिखते हैं। ऑप्टिक्स, हाँ, ये ऑप्टिक्स दो प्रकार के हैं, दो प्रकार, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पहला और दूसरा वाला है वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स हमें अब नहीं चाहिए, हम रे ऑप्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स बाद में पढ़ लेंगे। रे ऑप्टिक्स में भी दो प्रकार के हैं, दो प्रकार, रे ऑप्टिक्स में भी दो प्रकार, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा वाला है रिफ्रैक्शन। एक रिफ्लेक्शन और दूसरा वाला है रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्लेक्शन को देखते हैं, रिफ्लेक्शन उसमें क्या क्या होता है, डेफिनेशन वो सब, फिर डिटेल में रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो माइंड मैप, रिफ्लेक्शन में दो प्रकार और रिफ्रैक्शन में भी दो प्रकार होते हैं। रिफ्लेक्शन में दो प्रकार, रिफ्रैक्शन में भी दो प्रकार। एक है प्लेन सरफेस, प्लेन, ये रिफ्लेक्शन है, तो सो वी हैव सो प्लेन मिरर। पहला है प्लेन मिरर और दूसरा वाला है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर रिफ्रैक्शन में भी सेम होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल, बट रिफ्लेक्शन में हम मिरर लेते हैं, हियर रिफ्रैक्शन में सरफेस लेते हैं, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस भी ले सकते हैं रिफ्रैक्शन में। ये प्लेन मिरर, इसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन दैट मीन्स हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। इमेजेस कैसे बनते हैं प्लेन मिरर में वो देखेंगे, यार इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। इन स्फेरिकल मिरर ये दो प्रकार के हैं। रिलेशन बिटवीन यू वी आर वो सब टर्म्स हम बाद में देखेंगे, पहले प्लेन मिरर कंप्लीट होने के बाद स्फेरिकल मिरर को जाएंगे। रिलेशन बिटवीन यू वी आर, ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये रिलेशन हम बाद में देखेंगे वीडियो, अगला वीडियो के और डिटेल में, ये सब कंप्लीट होने के बाद स्फेरिकल प्लेन मिरर कंप्लीट होने के बाद स्फेरिकल मिरर देखेंगे और उसमें रिलेशन देखेंगे। या ये फर्स्ट वन रिलेशन बिटवीन यू वी आर पहला वाला, दूसरा वाला है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में भी इमेज फॉर्म्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन भी दो टाइप्स है, वो सब नहीं चाहिए, ये माइंड मैप है। और रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्रैक्शन में आते हैं। रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस ये दो प्रकार, ये भी दो प्रकार, प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस, ये भी दो प्रकार। इसमें साइन कन्वेंशन, स्फेरिकल सरफेस में साइन कन्वेंशन और लेंस मेकर्स फॉर्मूला होते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो उसका फॉर्मूला डेरिवेशन हम देखेंगे व्हेन रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन कंप्लीट होने के बाद रिफ्रैक्शन को जाएंगे। प्लेन सरफेस, इसमें भी इमेज फॉर्मेशन होता है, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन।
इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर, और दूसरा वाला है इमेज फॉर्मेशन, इमेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल वो सब आता है रिफ्रैक्शन में। तो ये है ऑप्टिक्स का माइंड मैप। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जस्ट डेफिनेशन देखेंगे और रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अब रे ऑप्टिक्स की जरूरत है हमको, सो हम ऑप्टिक्स के डेफिनेशन देखेंगे। ये है माइंड मैप, माइंड मैप ऑफ ऑप्टिक्स इन द फिजिक्स। अब देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स, पहले डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स और दूसरे में उसके टाइप्स रे एंड वेव, उसका डेफिनेशन भी और एग्जांपल्स और टाइप्स। तो पहले ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स सब्जेक्ट में है, सो वी कैन टेक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ओनली लाइट। ये ऑप्टिक्स का डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट डील्स विद बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मींस ये लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के संबंधित होता है, प्रॉपर्टीज या बिहेवियर, एंड ऑप्टिक्स के डेफिनेशन है। इन द इन माइंड मैप वी हैव देखें, वी हैव सीन, सॉ ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, रे ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सेम वी कैन राइट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कमर रिफ्रैक्शन। ये रे ऑप्टिक्स ओनली रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में देखता है, रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अब देखेंगे, माइंड मैप में ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एंड टू टाइप्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इन द रे ऑप्टिक्स वी हैव सीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with reflection and refraction. So, अब wave optics के बारे में देखेंगे, wave optics का definition. It is a branch of physics. Branch of physics deals with the interference interference, polarization, इंटरफियरेंस पोलराइजेशन के बारे में ये वेव ऑप्टिक्स संबंधित होता है। ये डेफिनेशन इंटरफियरेंस और पोलराइजेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम रे ऑप्टिक्स में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है इधर, पहले रिफ्लेक्शन, नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन टॉपिक ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसका डेफिनेशन और लाइट वो सब। रिफ्लेक्शन में हमें पता होना चाहिए कि लाइट, व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन को साथ देते हुए। लाइट पहले हमें लाइट पढ़ते हैं, लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज सेंसेशन ऑफ साइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज सेंसेशन ऑफ साइट। That means, due to the presence of light only, we are able to see the objects around us.
राइट, सेंसेशन ऑफ साइट, इसलिए वो कह गया है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉल सेंसेशन ऑफ साइट, साइट के बारे में रिलेटेड टू लाइट. इट इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. अनदर पॉइंट, पहला पॉइंट डेफिनेशन है, दूसरा पॉइंट ऑलवेज इन द स्ट्रेट पाथ. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, में लाइट स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल होता है, कर्व्ड पाथ में लाइट नहीं ट्रेवल होता. लाइट कर्व्ड पाथ में नहीं ट्रेवल होता, सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ही, स्ट्रेट पाथ में ही लाइट ट्रेवल होता है. तीसरा पॉइंट है, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव, इसका डेफिनेशन मैं इधर लिख रहा हूँ. नॉन मैकेनिकल वेव, फॉर एनी प्रोपगेशन ऑफ वेव नीड नॉट टू बी अ मीडियम. मीडियम, सो देर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम. मीडियम नहीं होना चाहिए, मीडियम नहीं होना चाहिए वेव को जाने के लिए. वेव्स होते हैं, वेव्स, उसको जाने के लिए मीडियम नहीं होना चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए. इसलिए ये नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं कि देर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम, मीडियम फॉर एनी प्रोपगेशन ऑफ वेव. नो मीडियम फॉर एनी प्रोपगेशन ऑफ वेव, फॉर एनी प्रोपगेशन ऑफ वेव. वेव्स को जाने के लिए मीडियम वो नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, वो मीडियम नहीं है, फिर भी वेव्स ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से अनदर पॉइंट. मीडियम नहीं है भी वेव्स ट्रैवल करते हैं. सो नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स. ये लाइट है. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट कितने फास्ट ट्रैवल होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ meter per second means it travels 3 × 10⁸ meters per second in the air. हवा में लाइट 3 × 10⁸ meters एक सेकेंड में ट्रैवल होता है, एक सेकेंड में ट्रैवल होता है हवा में. और वाटर, जल, वाटर में 2 × 10⁸ meter per second वाटर में कम लाइट ट्रैवल होता है. पहले एयर 3 × 10⁸ meter per second, दूसरा वाटर, वाटर में 2 × 10⁸ meter एक सेकेंड को लाइट ट्रैवल होता है. और तीसरा वाला है ग्लास, वो सॉलिड. ग्लास में 2.25 × 10⁸ meter per second ग्लास, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस. लाइट ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रैवल होता है. वी कैन टेक एयर एज अ गैस, हवा, वाटर लिक्विड, ग्लास एज अ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो ग्लास में लाइट 2.25 × 10⁸ meter per second पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में लाइट 2.25 × 10⁸ meters इट गोस इन एक सेकेंड इन द ग्लास, इन द ग्लास इट गोस. ये लाइट के स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैल्यूज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो ये वीडियो में हमने देख लिया है लाइट और ऑप्टिक्स, उसका माइंड मैप और डेफिनेशन. तो अगले वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन डिटेल में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स टाइप्स एंड द टर्म्स रिलेटेड टू इट इन द अगला वीडियो. सो थैंक यू.